नमस्कार दोस्तों, हमारे बीएस शर्मा बात द्वार चैनल में आप सभी दोस्तों का, माता बहनों का, भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के ऊपर माता लक्ष्मी की हमेशा कृपा बनी रहे। भगवान पुरुषोत्तम अधिक मास, जिसे मलमास भी कहते हैं, उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे। भगवान नारायण की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि हो। आज का जो माँ अपनी वीडियो के माध्यम से उपाय बता रहे हैं, उपाय हैं कि अधिक मास में, मल मास में ऐसे उपाय जिसके करने से माता लक्ष्मी इतनी कृपा करेगी, भगवान की कृपा से, माता लक्ष्मी कृपा से घर में भंडार भर जाएंगे, लक्ष्मी संभाली नहीं जाएगी। लक्ष्मी की असीम कृपा होगी, क्योंकि छोटे छोटे टोटके हमारे जीवन को परिवर्तित करते हैं। लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्ति के लिए इस मल मास में जरूर कृपा, इस उपाय को करें। मल मास की भी बहुत कृपा होगी। इस उपाय को जानने से पहले जो भी भक्तजन, माता बहने हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपा करके सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी का बटन दबाएं, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, आपको करना क्या है? करना यह है कि शुक्रवार के दिन 11 पीली कौड़ी लेकर के आनी है। उन 11 पीली कौड़ियों को लाकर के माता लक्ष्मी के सामने गंगाजल से धोकर के रखें। शुक्रवार को रख करके उसे हल्दी का, गंगाजल में हल्दी घोलें, उसका लेप लगाएं, उसमें रंग लें, साथ में माता लक्ष्मी के सामने रख करके हल्दी का लेप लगा के रख दिया है, और उसके बाद थोड़ा सा इत्र लेकर के माता लक्ष्मी पर चढ़ाएं। माता लक्ष्मी पे इत्र चढ़ा के धूप दीप जला करके आप जो है लक्ष्मी गायत्री का ओम माँ लक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का जो है 11 बार, 21 बार या 108 बार, जैसी आपकी शक्ति है, जाप कर लें। जाप करके फिर कौड़ियों को जो है लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रख दें, वहां पर रखी रहने। देखना, मल मास की कृपा से इतनी कृपा होगी, असीम कृपा हो जाएगी। अगर आपके घर पर किसी की बुरी नजर के कारण घर में धन बरकत में कमी आ गई है, लक्ष्मी का आगमन नहीं होता, या पैसा आता है तुरंत चला जाता है, तो इसके साथ में काली हल्दी भी रख दें और थोड़े से 11 दाने रक्त गुंजा के रख लें। पीली कौड़ी, काली हल्दी और रक्त गुंजा, इन तीन चीजों को रख के इस प्रकार से पूजा करें, और उसकी पोटली बना करके अपनी तिजोरी में रख दें। सारी बुरी दृष्टि खत्म हो जाएगी। बुरी नजर अगर आपके व्यापार पे, घर पे लगी हुई है, धन पे लगी हुई है, बरकत खत्म हो गई है, बिल्कुल दूर हो जाएगी। और देखना, लक्ष्मी की इतनी कृपा होगी, पैसा आएगा और बरकत भी डालेगा। इस उपाय को करें, और जो मंत्र है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, हम वीडियो पे भी लिख देंगे, इसको आप करें और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करें। आगे की और उपायों में और वीडियो के साथ मिलते हैं। आप सभी को जय श्री राधे।